दोस्तों, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो गलती से भी तिजोरी में ये चीजें कभी मत रखना, अंजाम बुरा हो सकता है। तिजोरी का सारा पैसा सपा चट हो सकता है, आपका बुरा दौर शुरू हो सकता है। ये चीजें व्यक्ति को भिखारी बना देती हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में तिजोरी का बड़ा ही महत्व है। आपको बता दें, कई लोगों के पास तिजोरी नहीं होती और वो अपना सारा पैसा बॉक्स में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, बक्से में रखते हैं। ऐसी कई तरह की वस्तु हैं जहां पर वो अपना धन रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जहां आप अपना धन रखते हैं, असल में उसी को तिजोरी माना जाता है। फिर चाहे वो मॉडल जमाने की तिजोरी हो या फिर पुराने जमाने की, तिजोरी तो तिजोरी ही होती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि जहां आप अपना धन रखते हैं तो वहां पर गलती से भी ये चीजें कभी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में भयंकर गरीबी आती है, बेफिजूली खर्ची बढ़ जाती है, दुर्घटना घर में होने लगती है। इसीलिए तिजोरी में से ये चीजें तुरंत आज ही बाहर कर दें, नहीं तो करोड़पति से रोड़पति बनने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, नंबर वन, तिजोरी में मृत व्यक्ति के चित्र नहीं रखना चाहिए, इससे निगेटिविटी बढ़ती है और महालक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। इससे फिजूल खर्ची बढ़ जाती है और धीरे धीरे तिजोरी खाली होने लगती है। ऐसे में आपको कर्जदार बनना पड़ता है। दोस्तों, नंबर टू, तिजोरी में धन रखा जाता है, ना कि कचरा कबाड़ खाना। कई लोग ऐसे हैं जो तिजोरी में बिन मतलब के पेपर को डाल देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी तिजोरी को शुभ नहीं माना जाता, इससे धन की बर्बादी होती है और व्यक्ति को कर्जदार बनना पड़ता है। दोस्तों, नंबर थ्री, तिजोरी में जहां आप अपना धन रखते हैं, फिर चाहे वो बक्सा हो, बॉक्स हो, अलमारी हो या कोई भी स्थान क्यों ना हो, धन रखने के लिए नीचे लाल वस्त्र जरूर बिछाना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी बहुत खुश होती है और सदैव उस स्थान पर वास करती है जिस घर की तिजोरी में लाल वस्त्र बिछा होता है। लाल वस्त्र बिछा होने से धन में बढ़ोतरी होती है और सोना भी आकर्षित होता है, जो कि लाल वस्त्र हमारी तिजोरी में भी बिछा हुआ है, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, नंबर फोर, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति भी तिजोरी का मुंह ऐसे कभी नहीं रखता। दक्षिण या पश्चिम दिशा में तिजोरी का मुंह कभी नहीं खुलना चाहिए। गरीबी आती है, दुख परेशानियां आती हैं और फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इसीलिए तिजोरी को हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा में खुलना चाहिए। दोस्तों, नंबर फाइव, इस बात का ध्यान रहे कि तिजोरी से एकदम सारा पैसा कभी ना निकालें। तिजोरी खाली करने से माता लक्ष्मी भी चली जाती है और कभी मुड़कर नहीं आती। तिजोरी में टूटी फूटी चीजें रखने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और दोबारा कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करती महालक्ष्मी। तिजोरी को हमेशा भरी रखें और समय समय पर धन निकालना चाहिए। एकदम धन निकालने पर गरीबी आती है, महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से महालक्ष्मी को याद करोगे तो महालक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। माँ को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।